नमस्कार गाइस, आप लोग देख रहे हैं माय फ्यूजन यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिशन से रिलेटेड होने वाला है वीडियोस। तो बिहार बोर्ड में जितने भी बच्चे टेंथ पास कर लिए हैं उन लोगों का एडमिशन जो है 19 जून से आप लोगों का जो फॉर्म के लिए आवेदन आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो में क्या क्या बातें हैं सभी करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए 19 जून से आप लोग मतलब कुछ ही दिनों बाद आप लोग आवेदन कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। उसके बाद आपको लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो जान लीजिए आप लोग। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एडमिशन प्रक्रिया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्य के इंटर स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2021 से होगी। इच्छुक छात्र 28 जून 2021 तक OFSS, ये वेबसाइट तो आप लोग जानते ही होंगे, टेंथ में भी आप लोगों को इसका यूज़ किए होंगे। तो अभी इंटर में यही वेबसाइट है OFSSBihar.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगर आप खुद से कर पाते तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाते तो साइबर कैफे बगल में होगा, जाके करवा लीजिएगा, ठीक है। 100 से 200 रुपये आपको लेगा वो, अब साइबर कैफे वाले पर डिपेंड करता है वो कैसे कितना लेता है। बोर्ड ने कहा है कि छात्र किसी भी विद्यालय के विकल्प चुनने से पहले वह पिछले साल की कट ऑफ जरूर देख ले। तो कट ऑफ को ध्यान में रखकर अपना आवेदन करना है। अब जिन जिन का कंपार्टमेंट लगा है, जो जो भी एक दो विषय में फेल है उनका क्या होगा वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी जो लिखा है वो पढ़ के बता दिया जाता है। पिछले साल की कट ऑफ देखकर स्कूल की प्राथमिकता का चयन करें। सभी कॉलेजेस का स्कूल का अलग अलग कट ऑफ होता है, किसी का हाई रहता है, किसी का लो रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं और उसके आपका जैसा नंबर आया है, जितना परसेंट आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना कॉलेज चूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपका मान ले जाए 50% 60% 65% मार्क्स आया है बोर्ड में तो आप कोई टॉप कॉलेज में अपना चुन लें। तो टॉप कॉलेज के लिए कम से कम 80-85-90% लाना ज़रूरी होता है। तो जिस अकॉर्डिंग आपका नंबर आया है उसी अकॉर्डिंग आप लोग कॉलेज चूज़ करेंगे। वो कट ऑफ देखकर आपको पता चल जाएगा किस स्कूल का कितना कट ऑफ है, ठीक है। तो वैसे करना है क्योंकि 17,02,000 सीटें पर एडमिशन लिया जाएगा, इतना आप लोगों का एडमिशन होगा इस साल, ठीक है। तब सभी बोर्ड से बिहार बोर्ड CBSE ICSE का पता है, बिना एग्ज़ाम के पास इन लोग हो गए हैं, तो इन लोग भी एडमिशन लेंगे। तो इन लोगों को अलग से नोटिस आ जाएगा, इन लोगों का एडमिशन कैसे होगा वो, इनका जो रिजल्ट स्कूल में जो प्री बोर्ड इन्होंने दिया होगा उसी पर इन लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, परसेंट जारी किया जाएगा, उन्हीं पर इन लोगों का एडमिशन होगा। क्योंकि इन लोगों का एग्ज़ाम हुआ नहीं था, इसको इन लोगों को ऐसे ही पास कर दिया गया था, तो इन लोगों का एडमिशन होगा। लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चे जितने भी पास किए हैं उन लोगों का सबसे पहले एडमिशन होगा और वो लोग अप्लाई कर देना है जब डेट निकलेगा। जब मैंने बताया ना कब से स्टार्ट है, आप लोगों को मैंने अभी बताया 19 जून से, ओके। आपका आवेदन शुल्क 350 रुपया लगना है यहाँ पर, ठीक है। 350 रुपया आवेदन शुल्क है, और साइबर कैफे वाले से करवाते हो तो और भी 100 से 200 आप लोगों को लग जाएगा। और ऐसा घबराना नहीं है, जितना लोग पास किए हैं इस साल बोर्ड में उनसे लगभग बहुत सारा सीट ज़्यादा है। देखिए जिन लोगों का कम नंबर आया उन लोगों का भी हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। उससे करीब 1.5 गुना सीट ज़्यादा नामांकन के लिए अभी उपलब्ध है। जितना लोग पास किए, मान लो 100 पास किए हैं तो 150 सीट ज़्यादा मतलब खाली भी है। 100 सीट अगर भर जाता है तो 150 सीट अभी भी खाली है, मतलब मानना है जितना पास किए उससे 1.5 गुना ज़्यादा सीट खाली है। तो टेंशन नहीं लेना, कंपार्टमेंट वगैरह का क्या होगा तो आप लोग अपना कोर्स देख लीजिएगा, कंपार्टमेंट वगैरह का उन लोगों का अलग से नोटिस आ जाएगा। और एग्ज़ाम होता है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के आधार पर जितना भी मार्क्स आप लोगों का आएगा उससे एडमिशन होगा। अगर नहीं आता है तो उसके लिए अलग से नोटिस बिहार बोर्ड डालेगा, ठीक है। अभी जितना लोग पास किए उन्हीं लोग का एडमिशन होगा, जितना लोग फेल हुए उन लोगों का ब्रेक लगेगा और उन लोगों का भी एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों का एक साल बर्बाद हो गया, नहीं, एडमिशन होगा, आप लोगों को अलग से नोटिस निकाला जाएगा। तो टेंशन फ्री रहिए, जब नोटिस आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।